बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल रोड पर स्थित दफ्तर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी और मजदूरों के साथ लिए पहुंची बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर पहुंची, जहां अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उधर कंगना ने इस कार्रवाई पर ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह एक इमारत नहीं राम मंदिर है, आज वहां बाबर आया है। कंगना ने कहा कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गए और उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों ही बीएमसी टीम ने कंगना रनौत के दफ्तर का मुआयना लिया था और पाया था कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर कई अवैध निर्माण किए गए हैं। इसका मतलब है कि कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंगना ने इसी के साथ कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें बीएमसी के अफसर उनके दफ्तर के बाहर खड़े हैं। इस बीच कंगना रनौत के दफ्तर को एक और नोटिस भेजा गया। इसमें कहा गया है कि कंगना रनौत ने अपने वकील के माध्यम से जो आवेदन दायर किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा अभी भी कंगना ने बीएमसी नोटिस का जवाब नहीं दिया है, इसलिए उनका निर्माण अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। बीएमसी की कार्रवाई का अंदेशा कंगना रनौत को पहले से है। इस वजह से कंगना ने आज सुबह ही ट्वीट करके कहा कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं और उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं वादा करती हूं कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ नहीं है, चाहे तो सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएंगी। कंगना रनौत की मुंबई से पहले ही मंगलवार को बीएमसी की ओर से उनके दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। बीएमसी का आरोप था कि कंगना के दफ्तर में कुछ निर्माण बिना किसी इजाजत के हुए हैं, जिसमें कमरों का अलग इस्तेमाल, बाथरूम का निर्माण, किचन का निर्माण जैसी बातें शामिल हैं।